हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले एसी और मैथ चैप्टर 30 गॉसियस लॉ के क्वेश्चन नंबर 16 को। और स्टूडेंट, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम दिया हुआ है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका चार्ज डेंसिटी मतलब हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी आपका ये दिया हुआ है, दिस इज लेमडा रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं। स्टूडेंट, बहुत डिटेल से थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी इन साइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस है, ये सिलेंडर का जो एक्सिस है, इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट हम लोगों को वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस है, गॉसियस थ्योरम की सहायता से जब भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है, सबसे पहले अगर वो क्लोज नहीं है तो हम लोग उसको क्लोज करते हैं। स्टूडेंट, अब क्लोज तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं थ्योरी, जिन लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा कोई परेशानी नहीं होगी। इसको हम लोग डायरेक्टली जो क्लोज करेंगे एक सिलेंड्रिकल शेप से, एक सिलेंड्रिकल शेप से ही इस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे, सो डैट कि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इधर एक डिस्टेंस पे, इधर भी एक्स डिस्टेंस पे, इस तरह से लेते हुए लाइक दिस। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक हम लोग इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, एक गॉसियन सरफेस है। आप ये देख सकते हैं, ये एक्स रेडियस का ये गॉसियन सरफेस हो गया सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है। इससे हम लोग क्लोज कर दिए। अब क्लोज कर दिए तो हर जगह इस पी पॉइंट पर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा, यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, ई होगा, सब जगह होगा, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो फ्रॉम गॉसियस थ्योरम के हिसाब से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया। क्लियर स्टूडेंट? नाउ तो अब हम लोगों को क्या, हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, इससे हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग तीन पार्ट में स्टूडेंट डिवाइड कर सकते हैं, ये जो क्लोज्ड सरफेस जो बन रहा है क्या, एक तो फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, एक ये कर्व्ड सरफेस होगा, सिलेंडर है तो इसका तीन पार्ट हो गया, एक कर्व्ड सरफेस हो गया, एक टॉप सरफेस हो गया, एक ये नीचे वाला ये बॉटम सरफेस हो गया, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो कर्व्ड के थ्रू ऐड कर दीजिए, फिर प्लस ई डॉट डी ए टॉप सरफेस से जो फ्लक्स हो गया, प्लस ई डॉट डी ए बॉटम सरफेस से जो फ्लक्स हो गया, और ये तीनों मिलाकर टोटल जो क्लोज्ड सरफेस है, जहां पर ये सिंबल क्लोज से डिनोट करते हैं हम लोग सर्कल से, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब ये साइन यहां पर यूज नहीं होगा, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं ये साइन को यहां भी कैरी करते चलते हैं, नहीं, क्लियर है? ये साइन जो होता है ये क्लोज को शो करने के लिए होता है। तो अब ये क्लोज रहा नहीं, इस क्लोज को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दें। क्लियर है? नाउ नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, नेट इनक्लोज चार्ज, अब ये जो एक्स रेडियस का ये जो आपका जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो बना है, इसमें टोटल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है? तो बहुत आसान है स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो चार्ज है। तो ये जो एक्स रेडियस का ये जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो बना है, ये सिलिंड्रिकल जो वायर बना है एक्स रेडियस का, इसका वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर का टोटल चार्ज हमारा निकल जाएगा, वही इनक्लोज चार्ज होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 बाई स्फेरिकल तो है नहीं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पाई एक्स स्क्वायर एल। अगर ये मान लेते हैं एल लेंथ का है, ये मान लेते हैं ये सिलिंड्रिकल वायर, हम एल लेंथ के सिलिंड्रिकल वायर को एज्यूम कर रहे हैं, ये है तो इनफाइनाइट लेंथ का सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, एल लेंथ को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एल लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सो डैट कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर एल। अब समझिएगा बेसिक चीज है मैथ्स का, पाई एक्स स्क्वायर भाई कैसे होगा, तो ये एक जो सर्कल होगा, एक एकदम बिल्कुल एलिमेंट्री एक सर्कुलर जो सरफेस होगा उसका कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एक्स स्क्वायर, वैसा पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर एल तक मिलाते चले गए तो ये वॉल्यूम मिल गया, ये आपका सिलेंडर मिल गया, तो पाई एक्स स्क्वायर एल आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया। उस तरह से भी सोच सकते हैं बेसिक तरीके से, इन टू रो
यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इतना है, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा टोटल इनक्लोज चार्ज निकल गया क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर का हो गया, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के थ्रू ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, हर जगह पे कर्व सरफेस पे, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होगा और एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। किसी पॉइंट पर इधर देखिएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। फाइनली ये ई डॉट डी ए जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया 2πxL, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये किए थे, इसको कैलकुलेट किए थे, 2πxL इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है, इनटू cos 0, हर जगह दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 प्लस, अब ये टॉप, ये जो टॉप जो सरफेस है और बॉटम सरफेस दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस केस में, दोनों ही केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आपका यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर एरिया वेक्टर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दोनों ही केस में 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का टर्म आएगा, cos 90 का टर्म वैल्यू 0 होता है, मतलब टॉप भी 0 हो गया, बॉटम भी 0 हो गया, बॉटम से भी फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया। इधर आपका हो गया पाई एक्स स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो गया cos 0 1 हो गया, तो e इंटू 2 पाई एक्स एल इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यहां से बहुत सारा टर्म, बहुत सारी चीज आपका कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं पाई पाई एल, पाई एल आपका कैंसिल हो गया, एक एक्स से यहां पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बच जाएगा ऊपर में रो एक्स, रो एक्स इधर आपका बच जाएगा टू, ये टू बच जाएगा, टू पाई कैंसिल हो चुका है, एल कैंसिल हो चुका है, एक्स कैंसिल हो चुका है, तो टू एप्सिलॉन नॉट equals to rho x by 2 epsilon naught, question number 16, clear student, तो मिलते हैं student next class में next question के solution के साथ, thank you।